हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम कार मेंटेनेंस की बात करेंगे और कार मेंटेनेंस में हम कूलेंट चेंज करेंगे। कूलिंग सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कूलेंट के दो मेन फंक्शन है, एंटी फ्रीज और एंटी रस्ट। तो हमारे मुल्क में टेम्परेचर को इतना नेगेटिव तो होता नहीं है कि कूलेंट फ्रीज हो जाए, लेकिन एंटी रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कूलेंट टाइम पर ना चेंज करें तो आपका कूलिंग सिस्टम अंदर से ऑक्सीडाइज हो सकता है और उसको रस्ट लग सकता है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप कूलेंट को टाइमली चेंज करें। अब डिफरेंट ब्रांड्स के कूलेंट आते हैं और उसके डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है, किलोमीटर्स पे भी डिपेंड करता है और टाइम बाउंड भी होता है। तो कुछ 40,000 किलोमीटर्स या 4 ईयर्स की बात करते हैं, मर्सिडीज 15 ईयर्स की बात करते हैं। तो आप अपने कार मैन्युफैक्चरर के मैनुअल को ज़रूर रेफर करें, उसमें क्या सर्विस इंटरवल डिफाइन किया हुआ है और उसके मुताबिक आप कूलेंट को ज़रूर चेंज करें। अब ये टोयोटा MRS है और टोयोटा के मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि आप टोयोटा के ओरिजिनल पार्ट्स यूज़ करें। तो इसके लिए मैंने टोयोटा का ओरिजिनल लॉन्ग लाइफ कूलेंट अरेंज किया है। ये 50-50 प्री मिक्सड है। प्री मिक्सड होने का मतलब ये है कि इसमें जो पानी ऐड करना था वो पहले से एडेड है, तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ डाल देना है। अब जैसे कि टोयोटा MRS मिड इंजन गाड़ी है और इसका इंजन पीछे है लेकिन इसका रेडिएटर आगे लगा हुआ है, तो उसकी वजह से इसका कूलिंग सर्किट काफ़ी बड़े साइज़ का है और इसमें 10.4 लीटर कूलेंट आता है। तो इसके लिए मैंने 3 कैंस लिए हैं और ये एक कैन जो है वो 3.78 लीटर्स का है, तो ऑल टुगेदर मेरे पास 11.3 लीटर्स हैं, जबकि मुझे 10.4 लीटर्स रिक्वायर्ड हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली टोयोटा MRS के कूलेंट चेंज करने पे बेस्ड है और इसका सर्किट काफ़ी बड़े होने की वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। मतलब कूलेंट चेंज करने में कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन सिस्टम को ब्लीड करना थोड़ी सी साइंस है। और आइए अब हम मिल के देखते हैं कि कैसे इसका कूलेंट चेंज किया जा सकता है। ओके यूसुफ, विल यू हेल्प मी आउट टू चेंज द कूलेंट ऑफ दिस टोयोटा MRS? ओके, थैंक यू। तो आइए दोस्तों मिल के देखते हैं कि हम इसका कूलेंट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें इंजन पीछे को लगा हुआ है और ये है इसका कूलेंट का रिजर्वायर। सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। चूंकि हमने सिस्टम को ब्लीड भी करना है, तो इसलिए सबसे पहले हम ब्लीडिंग वाल्व्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इसके दो ड्रेन्स हैं और वो गाड़ी के नीचे आप देख सकते हैं कि इन दो पाइप में लोकेटेड है। सबसे पहले हम इनको अनबोल्ट करेंगे ताकि जितना एग्जिस्टिंग कूलेंट है वो सारा हम फ्लश कर सकें।
दोस्तों अब हमने इसके दोनों ब्लीडिंग वैल्व जो हैं वो लूजन कर दिए ताकि ईजीली इसमें से कूलेंट सारा निकल जाए। आप देख सकते हैं कि कूलेंट सारा ड्रेन हो रहा है और इस रिजर्वायर का ढक्कन भी हमने इसीलिए खोला था ताकि यहाँ से इजीली तमाम का तमाम कूलेंट ड्रेन ऑफ हो जाए। तो दोस्तों इसका कूलेंट सर्किट बड़ा होने के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड भी है और इसको ब्लीड करना थोड़ा सा एक ट्रिकी काम है। कूलेंट का लेवल पूरा करने के लिए आपको 3 डिफरेंट स्पॉट्स पे लेवल मैच करने होते हैं, उसमें से 2 ये ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं और एक इसका रिजर्वायर जो कि पीछे लगा हुआ है। जब उस तीनों में कूलेंट का लेवल इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कूलेंट पूरा हो चुका हुआ है। वैसे हमें क्वांटिटी से भी पता लग रहा होगा, अगर हमने 10 लीटर से ज़्यादा डाल दिया तो कूलेंट पूरा हो चुका हुआ है। अब ब्लीडिंग पॉइंट्स पे लेवल कैसे चेक करना है वो थोड़ा ट्रिकी काम है। उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पाइप लगा के 2 और उसमें हम लेवल को मॉनिटर करेंगे। इसको ब्लीड करना इतना सिंपल नहीं है, उसमें आपको गाड़ी थोड़ी चलानी भी पड़ती है और चलाने के बाद जब अंदर कूलेंट फैलता है और एयर पॉकेट्स ऊपर की तरफ आना शुरू होती हैं तो फिर आपको बार बार ब्लीड करना पड़ता है। जब सिस्टम प्रॉपर ब्लीड होगा तो उसके बाद ही कूलिंग सिस्टम सही से काम करेगा। अगर आप प्रॉपर ब्लीड नहीं करेंगे तो गाड़ी हीट अप होने का ख़तरा है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसको प्रॉपर ब्लीड करना ज़रूरी है। तो दोस्तों कूलेंट पुराना वाला ड्रेन हो चुका है, अब हम ये पाइप लगा लेते हैं लेवल्स चेक करने के लिए नए कूलेंट का। मेरे ख्याल में इजी वे ये होगा, हम इसको यूँ टाई अप कर लेते हैं और इसमें हम पानी कूलेंट का लेवल चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों जैसा कि सारे का सारा कूलेंट ड्रेन हो चुका है तो अब हम इसके ड्रेन के नट्स को वापस लगाएंगे और नया कूलेंट डालेंगे। तो दोस्तों अब हम इन ड्रेन प्लग्स को प्रॉपर टाइट करने के लिए इसके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हम इसको टॉर्क देंगे जो कि 13 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। सबसे पहले हमें टॉर्क रेंच चाहिए और टॉर्क रेंच में आप इतना टॉर्क सेट कर लीजिए। तो इसमें फिट पाउंड्स में लिखा हुआ है तो 13 न्यूटन मीटर तकरीबन 9.6 फिट पाउंड्स बनता है, तो इसे मैं 9.6 फिट पाउंड्स पे सेट कर लेता हूँ। फिट पाउंड्स पे इसे सेट करके आप लॉक कर लीजिए और अब हम ड्रेन प्लग्स को टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस कूलेंट में किसी किस्म के कोई रस्ट के साइंस नहीं नज़र आ रहे और मेरे अंदाजे से हो सकते हैं तकरीबन 10 लीटर्स के करीब कूलेंट निकला है। अब हम ड्रेन प्लग्स को टाइट कर चुके हैं। दोस्तों कूलेंट को फिलअप करने से पहले आप हीटर स्विच को ऑन कर लें और इसके बाद हम स्लोली कूलेंट को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों हम इसमें कूलेंट फिलअप करना स्टार्ट करते हैं स्लोली। तो दोस्तों अब हम इसमें 3.78 लीटर डाल चुके हैं, अब हम लीक्स वगैरह को चेक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी यहाँ तक कोई कूलेंट नहीं पहुँचा।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8 लीटर कूलेंट डालने के बाद अब इसमें थोड़ी थोड़ी पानी का लेवल, कूलेंट का लेवल चढ़ना शुरू हो गया है। और इसमें कुछ मुझे पुराना कूलेंट भी नज़र आ रहा है जो कि शायद हीटर के सर्किट में मौजूद था और अब वो निकलना स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों 8 लीटर कूलेंट अभी तक डल चुका हुआ है। अब हम थर्ड कैन से स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको फिलअप करने की और ब्लीड करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से नया वाला कूलेंट निकलना शुरू हो गया है, दैट मीन्स के इसका हीटर एलिमेंट जो है वो फिलअप हो गया है। लेकिन अभी तक यहाँ से मुझे पुराना ही कूलेंट नज़र आ रहा है, दैट मीन्स के अभी रेडिएटर सही से फिलअप नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। जो एक आसान तरीका है, इसके जो रेडिएटर के होजेज़ हैं इनका मसाज कीजिए, आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि यहाँ से एयर बबल्स बाहर को निकलेंगे। ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप देख सकते हैं कि एयर बबल इससे बाहर निकल रहे हैं। अब बेसिकली जब लेवल इसका पूरा होगा तो यहाँ का लेवल बराबर होना चाहिए दोनों पाइप्स में और वो दोनों कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए रिजर्वायर के साथ जो कि पीछे की साइड पे लगा हुआ है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसकी ब्लीडिंग होगी और सारे एयर जब निकल चुकी होगी तो तब इसका कूलिंग सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा। एंड इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, इसको थोड़ा बहुत गाड़ी को चला के भी जब अंदर कूलेंट थोड़ा मूव करेगा सर्किट में तो उससे भी जब उसके बाद जब ब्लीड करेंगे तो उसमें भी काफ़ी एयर बबल्स बाहर निकलते हुए दिखते हैं। आगे से थोड़ी सी भी एक्टिविटी करें तो यहाँ पर लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाता है, दैट मीन्स कि हवा निकली है और कूलेंट सर्किट के अंदर सेटल डाउन हो रहा है। अब हम थोड़ा सा और इसे फिल अप कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम एक दफ़ा इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि कूलेंट की सर्कुलेशन हो जाएगी और जब सर्कुलेशन होगी टेम्परेचर चढ़ेगा तो इसका थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा, उसकी वजह से पूरे के पूरे सर्किट में कूलेंट आ जाएगा। तो उसके बाद हम दोबारा इसको ब्लीड करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट अप द इंजन। अब हम वेट करेंगे थोड़ी देर तक इसका टेम्परेचर चढ़े और अपने ऑप्टिमम लेवल तक आ जाए। 88 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा। अब सर्किट में जब तक हवा होगी तो उस वक्त तक गाड़ी का टेम्परेचर जल्दी जल्दी चढ़ेगा जैसा कि अभी हो रहा है, और इस सूरत में ऑटोमेटिकली फ़ैन भी इसका जल्दी चढ़ेगा, लेकिन इंजन का कूलिंग सिस्टम इफ़ेक्टिव नहीं होगा क्योंकि मे बी एयर मे बी रेडिएटर में जहाँ पे फ़ैन ने चलना है या हवा लग रही है वहाँ पे कूलेंट हो ही ना, उस वक्त हवा उसके अंदर सर्कुलेट कर रही हो। तो कोई भी ऐसी गाड़ी जिसका इंजन पीछे लगा हुआ हो, रेडिएटर आगे लगा हो, मैंने देखा है कुछ जापानी 660cc सुजुकी डब्बा टाइप की गाड़ियों में भी इस तरह का सिस्टम है और लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ये हीट अप हो रही है, लेकिन उसका बेसिक रीज़न यही है कि उसका कूलिंग सिस्टम सही से ब्लीड नहीं हुआ होता। तो प्रिंसिपली सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा उन गाड़ियों पे भी, और मे बी उनके ब्लीडिंग वाल्व की लोकेशन कहीं डिफरेंट होगी, लेकिन उनका कूलिंग सिस्टम आपको प्रॉपर ब्लीड करना पड़ेगा ताकि वो इफ़ेक्टिवली कूलिंग कर सके। तो दोस्तों अब इस गाड़ी को हम ज़रा टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं और इसको थोड़ा वार्म अप करके देखते हैं ताकि जब गाड़ी चलेगी हिलेगी अंदर कूलेंट अपनी जगह पे सेटल डाउन होने की कोशिश करेगा और उस तरह से हवा जो है वो थोड़े ऊपर की तरफ आएगी। तो हम इसको थोड़ी देर बाद ब्लीड करके देखेंगे। ज़्यादा दूर मैं नहीं लेके जाऊँगा टेस्ट ड्राइव पर क्योंकि हो सकता है इसका टेम्परेचर हाफ से भी ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में मैं फ़ौरन रोक के इसकी ब्लीडिंग स्टार्ट करूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब गाड़ी वार्म अप हो चुकी हुई है और अभी तक जो टेम्परेचर जिस तरह आराम से चढ़ रहा है तो उससे मुझे यही फील हो रहा है कि हम काफ़ी हद तक ब्लीडिंग कर चुके हुए हैं। और लेकिन अभी इसमें 8.5 लीटर कूलेंट डाला हुआ है और तकरीबन 1.9 लीटर की और कैपेसिटी है। तो दोस्तों मैंने थोड़ी सी गाड़ी तकरीबन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चला ली है टेम्परेचर को मॉनिटर करते हुए, और सो फार इट लुक सो गुड, टेम्परेचर आराम आराम से चढ़ा है और अब अपनी जगह पे स्टेबल है। एक और साइन जो कूलेंट सिस्टम
का फिलअप होने का है, वो अच्छा तरीका ये भी है कि आप हीटर चला के देखें। अब इस वक्त हीटर में गर्म हवा आ रही है, दैट मीन्स के सिस्टम वार्म अप हो चुका है और इसमें कूलेंट अच्छी मिकदार में है। क्योंकि अगर कूलेंट कम हो और सिस्टम में एयर होगी तो अक्सर इसके सेंटर वेंट्स जो हैं वो उसमें ठंडी हवा आ रही होगी और साइड पे गर्म। लेकिन इस वक्त मैं ऑब्ज़र्व करूँ कि चारों वेंट्स में गर्म हवा आ रही है, दैट मीन्स के इसमें काफ़ी अच्छी ब्लीडिंग हो चुकी हुई है। दोस्तों तकरीबन 7 किलोमीटर चलाने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका ऑटोमेटिकली फैन भी चल गया है, दैट मीन्स कि पानी कूलेंट पूरे सर्किट में सर्कुलेट हो चुका हुआ है और अब हम इसके बाद फिर इसकी ब्लीडिंग करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर स्टेबल है काफ़ी टाइम से, दैट मीन्स के काफ़ी अच्छी अमाउंट की ब्लीडिंग हो चुकी भी है और कूलेंट इसमें मुझे शक ये पड़ रहा है कि इसमें कुछ पुराना कूलेंट भी है सर्किट में कहीं ना कहीं जो कि निकलना बाकी है। तो खैर इसको ब्लीड करते करते उसको भी हम निकाल लेंगे और जब तक कि नया कूलेंट ना आ जाए, अभी इफ्तारी का टाइम हुआ जाता है तो इफ्तारी के बाद इसको देखते हैं फिर। दोस्तों आज डे 4 है और फाइनली हम एक लेवल पे पहुंच चुके हैं कि इसका कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छी तरह ब्लीड हो चुका है और इसमें ऑलमोस्ट मैं 10 लीटर्स कूलेंट डाल चुका हूं। अब उसका अंदाज़ा कैसे होता है कि आप इन जो पाइप्स मैंने टेम्प्रेरी लगाए हुए हैं आप इनको देखें, इनका लेवल इक्वल हो चुका हुआ है और ये कूलेंट का लेवल एग्जैक्टली कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है जो रिजर्वायर में कूलेंट का लेवल है इस वक्त। दैट मींस कि आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि सिस्टम कम्प्लीटली ब्लीड हो चुका है। अब इस ब्लीडिंग कैसे की है, थोड़ा सा इसके पाइप्स को मसाज करके, गाड़ी को ड्राइव करके, गाड़ी को आगे पीछे करके, इस तरीके से इसमें से एयर बबल्स काफ़ी ज़्यादा निकले हैं और अब कूलेंट भी इसमें उतना ही डल चुका है जितना डलना चाहिए, 10.4 लीटर डलना चाहिए और इसमें 10 लीटर डल चुका हुआ है और थोड़ा सा 0.4 लीटर का मैं डिफरेंस इसलिए समझता हूँ कि हो सकता है कुछ पुराना कूलेंट इसके रेडिएटर में अभी भी था जिसकी वजह से थोड़ा सा कम। बहरहाल अभी भी गाड़ी को मैं टेस्ट ड्राइव करूँगा और इसको मॉनिटर करता रहूँगा, अगर मज़ीद ब्लीडिंग की ज़रूरत हुई तो वो भी करेंगे और थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर ज़रूर है इसके कूलेंट चेंज करने का, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपने MRS का कूलेंट चेंज करना हो तो ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों अब कहीं डे 10 पे जाके इसका कूलिंग सिस्टम बार बार ब्लीड करने के बाद कूलेंट से फिलअप हो चुका हुआ है और अब आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर भी स्टेबल है और अंदर एक रेडिएटर में जो हीटिंग रेडिएटर होता है उसमें कूलेंट कम होने की ख़ास किस्म की आवाज़ फील होती थी, अब वो भी आना बंद हो गई है। तो दैट मींस कि इसका कूलिंग सिस्टम फिलअप हो चुका हुआ है और इसमें कम्प्लीटली 10.4 लीटर कूलेंट डाल चुका हुआ है। तो ये इसका एक प्रोसेस है, थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन इसमें थोड़ी ख्वारी ज़रूर है, बार बार आपको सिस्टम ब्लीड करना पड़ता है गाड़ी चला के, गाड़ी हिला के, तो और एक ख़ास टेम्परेचर पर जाके आप इसका कप खोल सकते हैं। तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस ज़रूर है लेकिन थोड़ा पेशेंस चाहिए तो सही तरीके से ब्लीड हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और अगर आपके पास आप अपनी MRS में कूलेंट चेंज करना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे और इस वीडियो का आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और मज़ीद वीडियो के मंतज़र रहिएगा।